हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साउथ सुपरस्टार रामचरण और उनकी पत्नी उपासना ने हाल ही में फैंस के साथ खुशखबरी शेयर की थी कि वह अपने पहले बच्चे के माता पिता बनने वाले हैं, जिसके बाद सेलिब्रिटीज से लेकर फैंस तक ने कपल को शुभकामनाएं दी थी। अब रामचरण के पिता दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने बताया कि यह खबर पहली बार सुनने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ था और क्या थी उनकी प्रतिक्रिया। 12 दिसंबर को रामचरण और उनकी पत्नी उपासना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उपासना और रामचरण अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। प्यार और आभार के साथ सुरेखा और चिरंजीवी कोनिदेला, शोभना और अनिल कामिनेनी। इसी के साथ चिरंजीवी ने इस गुड न्यूज़ को शेयर करते हुए लिखा था, इस खबर को शेयर करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। हाल ही में अभिनेता चिरंजीवी ने एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए कहा, हमने 6 साल से अधिक समय तक इस खबर का इंतजार किया है। जापान से वापस आने के बाद दोनों ने हमें बिठाया और यह खुशखबरी शेयर की। यह मेरे लिए सबसे खुशी के पलों में से एक था। मेरी आंखों में आंसू थे। रामचरण और उपासना फिल्म इंडस्ट्री के लवली कपल में से एक हैं। दोनों ने साल 2012 में शादी की थी। वहीं बात करें वर्क फ्रंट की, तो साल 2022 में रिलीज हुई रामचरण की फिल्म RRR ने शानदार सफलता हासिल की है। फिल्म ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में अपना जलवा बिखेरा है। वहीं अब अभिनेता रामचरण अपनी आगामी अस्थाई टाइटल वाली फिल्म RC15 पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी भी नजर आने वाली हैं। ऐसी और मजेदार गॉसिप और अपडेटेड न्यूज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।